राजधानी के राजस्थान विश्वविद्यालय ने नए सत्र में जनसंचार केंद्र को बंद करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसे अब हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में मर्ज करने की मंशा बनाने में लगा है। विभाग को बंद करने के फैसले के चलते एबीवीपी की ओर से आरयू गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान छात्रों ने सबसे पहले मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और इसके बाद रैली के रूप में कुलपति सचिवालय पहुंचकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस पूरे मामले पर चीफ प्रॉक्टर HS पलसानिया ने कहा कि पहले बीजेपी सरकार के समय हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय को बंद किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे दोबारा चालू किया है और इसी के चलते जनसंचार विभाग के शिक्षकों को अब हरिदेव विश्वविद्यालय में लगाया जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स की परेशानी को लेकर कुलपति और सरकार से वार्ता की जाएगी। हम लोगों ने जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा एक चाल चल के यहाँ के विश्वविद्यालय के विभिन्न डिपार्टमेंट को साल दर साल बंद कर दिया जा रहा है, जिस तरीके से MSW जल प्रबंधन जैसे कई डिपार्टमेंट पहले बंद कर दिए गए, इस साल इन्होंने पत्रकारिता डिपार्टमेंट को बंद करने का निर्णय लिया है। विद्यार्थी परिषद इन छात्रों के साथ है और खून बहाने की जरूरत पड़ी हम वहाँ खून बहाएंगे और लगातार प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो भविष्य है और भविष्य को किस साथ में खिलवाड़ नहीं देख सकते। इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके छात्र विदेशों में पढ़ते हैं और यहाँ के छात्र जो गरीब छात्र पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़ने से रोकना चाहते हैं, अतः विद्यार्थी परिषद इनके साथ है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट को मर्ज करना गलत है। कांग्रेस सरकार आने से, कांग्रेस जब से गहलोत सरकार आई है तब से इन लोगों ने हमेशा से ये चलता आ रहा है कि हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी पहले जब बीजेपी आया था तब उन्होंने बंद कर दी थी, अब वापस कांग्रेस आ गई तो वापस स्टार्ट हो गई है वो। तो क्या अगले 5 साल में वापस अगर कांग्रेस आ जाएगी तो क्या वापस वो चीज़ बंद कर देंगे? ये तो हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि हमारी पढ़ाई वगैरह सब डिस्टर्ब हो रही है हरदेव जो। और सबसे बड़ा पॉइंट है फीस का, यहाँ पे हम 10 या 20 हज़ार दे के जो कोर्स कर रहे हैं वहाँ हमें 70-80 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ये चीज़, क्योंकि हम लोग और भी स्टूडेंट्स गाँव वाले एरिया से हैं जहाँ पे इतनी फीस देना पॉसिबल नहीं है लोगों का। और तीसरी बात कि 25 से 30 किलोमीटर दूर है हम लोगों के लिए, तो हम लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फोटोशूट्स के लिए बाहर जाना पड़ेगा, रात के 8 बजे घर नहीं पहुंच सकती लड़कियां इतने सुनसान एरिया से। तो सरकार सिर्फ अपना खेल खेल रही है, बच्चों को तो उन्होंने खिलौना बना रखा है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में फंस गए हैं ये लोग। मतलब हम लोगों को लग रहा है हम हमारा 1 साल क्या, मतलब आगे भी आने वाले अगर ये लोग ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे बच्चों के भविष्य से